दरअसल अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट आने वाले हैं और आ गए हैं, ये जो है अभी बहुत बेहतरीन कंपनी है, लिंक वेयरहाउस की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ये लिंक लॉजिस्टिक कंपनी है और लिंक लॉजिस्टिक कंपनी में अभी ग्रांड ओपनिंग आए हुई है। मतलब कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिंक लॉजिस्टिक कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ देती है। राइट नाउ अगर आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, जितने भी सारे वैकेंसी का हम आपके साथ में एडवर्टाइजमेंट शेयर करते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी होता है और ये अर्जेंट ओपनिंग है यहाँ पे लिंक वेयर हाउस के लिए। ये लिंक वेयर हाउस है, बहुत ही ग्रांड ओपनिंग होने वाला है, तो यहाँ पे अर्जेंट ओपनिंग फॉर लिंक वेयर हाउस। कंपनी नेम है लिंक लॉजिस्टिक कंपनी है, जिसमें ड्यूटी जो होने वाला है 9 घंटे की शिफ्टिंग है, 9 आवर्स की यहाँ पे शिफ्टिंग होने वाली है लिंक लॉजिस्टिक कंपनी में। ड्यूटी 9 घंटे की शिफ्टिंग है। इंटरव्यू का भी डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, इंटरव्यू का डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, 10 अगस्त से कंटिन्यू रनिंग है। डेजिग्नेशन में है पैकर, लोडर, ये सब प्रोफाइल पे काम होने वाला है। सो यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करूँ तो ये रवि या हावड़ा दोनों लोकेशन में काम रहेगा, तो जॉब लोकेशन इसका जो होने वाला है रवि और हावड़ा दोनों लोकेशन में काम रहेगा। मीन्स कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोग हावड़ा से बिलोंग कर सकते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशंस जो है मिनिमम 10th पास और इंग्लिश रीड एंड राइट कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे मिनिमम 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश पढ़ने लिखने आना चाहिए, ये कॉम्पल्सरी होने वाला है। जेंडर में ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट का हायरिंग है, फीमेल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का यहाँ पे ओपन पोजीशंस पे रिक्वायरमेंट होने वाला है। एज लिमिट है 18 से लेकर के 36 साल, यानी कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 36 ईयर, तो 18 से 36 साल तक के सभी कैंडिडेट इस कंपनी में काम कर सकते हैं, वेल प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके साथ में, तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी का पैकेज अगर हम आपके साथ में डिस्कशन करें तो मेल कैंडिडेट की हायरिंग है, लेकिन सैलरी अगर बात करें तो पैकर का है 11,500 रुपीज़ प्लस PF प्लस ESIC। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी का डिफरेंशिएशन है, ये पैकर का सैलरी 11,500 रुपीज़ है PF ESIC काटने के बाद में। PF अगर इसमें इंक्लूड रहता तो 13,000 रुपीज़ सैलरी होता, तो 13,000 रुपीज़ सैलरी क्या होगा, इंक्लूडेड PF रहेगा। लोडर का सैलरी 10,000 रुपये इन हैंड रहेगा, इसमें PF ESIC काटने के बाद में 10,000 इन हैंड रहेगा। यहाँ पे जो काम है, ये काम 9 घंटे 26 दिन का है और यहाँ पे परमानेंट जॉब है। यहाँ पे जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कि हाँ भाई 3 महीने बाद निकाल देंगे, 4 महीने बाद निकाल देंगे, 5 महीने बाद निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना है। जितने भी सारे लोग इंटरेस्टेड है और काम करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, वो लोग कंपनी में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मेक श्योर डेफिनेटली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबाना मैडम को आप लोग कॉल कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।